चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केएस स्टडी ग्रुप। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट एंड आल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। टुडे वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 18.1 ऑफ क्लास 9th। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड एरिया ऑफ अ कार्डबोर्ड नीडेड टू मेक अ बॉक्स ऑफ साइज 24 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें क्या बताना है, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड बताना है और उसके हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे दिया गया है। तो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हम 2LV प्लस BH प्लस HCl लगा देंगे। तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड मिल जाएगा। अब यहाँ पर 2 लिख दिया और लेंथ क्या है 24 है, ब्रेथ क्या है 12 है, ब्रेथ 12 है, हाइट क्या है 5 है, प्लस 5 इंटू 24 हो जाएगा। इन सबको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 × 4 = 8 और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 936 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। 15 क्वेश्चन है, द सम ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ ए क्यूबाइड इज 19 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 11 सेंटीमीटर, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। यहाँ पे हमें क्या दिया गया, लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ का सम दिया गया, यानी L प्लस बी प्लस H इक्वल टू क्या दिया गया, 19 सेंटीमीटर दिया गया है। ये हमारा क्या होगा फर्स्ट इक्वेशन, उसको मान लेते हैं। और दूसरा क्या लिखा गया है, लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 11 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे हमें क्या दिया गया, डायगोनल हमें कितना दिया गया है 11 सेंटीमीटर दिया गया है। तो डायगोनल का फार्मूला क्या होता है, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड का होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये क्या होगा, डायगोनल हो गया और इसका कितना दिया गया है हमें, डायगोनल की वैल्यू 11 दिया गया है, तो यहाँ पे 11 लिख देंगे। अब क्या करेंगे हम, इसकी स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसमें स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट लगा ही पहले से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका फिर से हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे और 11 का भी होल स्क्वायर कर देंगे। इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या बचा है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 11 का होल स्क्वायर करेंगे तो 121 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ से हमें ये मिल गया, अब हम क्या करें, जो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसमें भी हम स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड कर देंगे। पहले हमने क्या कि इक्वेशन नंबर सेकंड में स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड किया, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो क्या है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 19 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 2LV प्लस BH प्लस HCl। यहाँ से हम क्या करेंगे, हम 2 को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2LV प्लस BH प्लस HCl। ये क्या हो गया, इसको स्प्लिट करने का ये फॉर्म हो गया, यहाँ से एल प्लस बी प्लस एच को स्क्वायर को जिन्होंने स्प्लिट किया तो किस फॉर्म में आ गया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2L2 ब्रैकेट कर लिए, सब में 2 कॉमन, इसे हमने कॉमन कर लिया, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इक्वल टू 19 का होल स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है। इसमें क्या हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका वैल्यू हमने क्या फाइंड किया, 121 हमने फाइंड किया है। तो हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के प्लेस में क्या लिख देंगे, 121 लिख देंगे। तो 121 प्लस 2 आ गया, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इक्वल टू 361 हो गया। अब यहाँ से 2 हो जाएगा, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इक्वल टू 361 माइनस 121। अब यहाँ से 2 हो गया, एल वी प्लस बी एच प्लस एच एल इक्वल टू क्या आ गया, इसको माइनस करेंगे तो 240 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम इसको 2 को हम यहाँ मल्टीप्लाई साइड डिवाइड में आ जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का क्या फार्मूला होता है, 2LV प्लस बी एच प्लस एच एल, और वही हमें फाइंड हो गया 240 मीटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। 16 क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ ए क्यूबाइड आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3
एंड इस टोटल सर्फेस एरिया इज 88 मीटर स्क्वायर। फाइंड डायमेंसन। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, क्यूबिट के क्यूबाइड का डायमेंसन का हमें रेशियो दिया गया है 1:2:3, और उसका हमें टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूबाइड दिया गया है 88 मीटर स्क्वायर। और हमें क्या करना है, डायमेंसन फाइंड करना है, यानी हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट फाइंड करनी है। अब यहाँ पर रेशियो में दिया गया था, हम क्या लिख सकते हैं, द डायमेंसन ऑफ लेट, द डायमेंसन ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का हम 1x यानी x लिख सकते हैं, 2x और ये 3x हो जाएगा। हमने रेशियो में था, हमने इसको क्या कर दिया, x 2x और 3x लिख दिया, यानी हमारी लेंथ क्या हो गई x और ब्रेथ हमारा 2x हो गया और हमारा हाइट 3x आ गया। अब यहाँ से हम क्या करें, हमें क्या दिया गया, टोटल सर्फेस एरिया दिया गया है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टोटल सर्फेस एरिया इक्वल टू कितना दिया गया, 88 मीटर स्क्वायर दिया गया है। और टोटल सर्फेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, और टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, तो टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला क्या होता है, 2lb + bh + hl होता है, इक्वल टू क्या कर देंगे, 88 मीटर स्क्वायर हमें दिया गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 लिख देंगे और हमें यल क्या है, यक्स है, तो यक्स इंटू 2x हो जाएगा प्लस बी 2x है, एच इंटू 3x है, एच 3x और यल हमारा यक्स है, इक्वल टू 88 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2 हो जाएगा यक्स इंटू 2x यानी 2x² आ जाएगा प्लस 2x इंटू 3x यानी 6x² आ जाएगा और 3x इंटू x 3x² आ जाएगा, इक्वल टू 88 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 हो गया, सबका x स्क्वायर, इससे सबको ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 11x² इक्वल टू 88 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 2 × 11x² इक्वल टू 88, 11x² हो जाएगा और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में चला आएगा, तो 88/2 हो जाएगा, तो 2 को क्लास डिवाइड कर देंगे 244 आ जाएगा, तो 11x² इक्वल टू क्या आ गया, 44 आ गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x² इक्वल टू 44 और 11 मल्टीप्लाई में साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 11 × 4 = 44 आ जाएगा, तो x² क्या आ गया, इक्वल टू 4 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ इस साइड आएगा तो रूट में चला जाएगा, तो √4 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, x = 2 आ गया, यानी हमें x क्या वैल्यू मिल गई, 2 वैल्यू मिल गई। और जब हम इसको लेंथ और ब्रेथ और हाइट में पुट करेंगे तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट मिल जाएगी, तो हमारी लेंथ कितना है, हमारा 2x है और इसमें x की वैल्यू को रखेंगे तो 2 × 2 = 4 आ जाएगा, हमारा लेंथ कितना आ गया, 4 आ गया। और हमारा ब्रेथ हमारा क्या था, 2x था, हमारा लेंथ यक्स था, लेंथ हमारा यक्स था और ब्रेथ हमारा 2x था और हाइट हमारा 3x था, तो लेंथ हमारा यक्स था यानी हमारा लेंथ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ब्रेथ हमारा क्या था, 2x था, तो 2x यानी 2 × 2 हो जाएगा यानी 4 आ जाएगा। और हाइट हमारा क्या था, 3x था, तो यानी 3 × 2 = 6 हो जाएगा, तो यानी हमारा लेंथ 2 आ गया, ब्रेथ हमारा 4 आ गया और हाइट हमारा 6 आ गया। ये क्या हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। 17 क्वेश्चन है, 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड्स 5 cm आर ज्वाइंड एंड टू एंड, फाइंड सर्फिस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अब यहाँ पे फिर वही कंडीशन है, 3 क्यूब्स को हमने क्या कर दिया, एंड टू एंड ज्वाइंट कर दिया गया है, ये क्यूब है, 3 क्यूब हमने क्या किया, एंड टू एंड ज्वाइंट कर दिया और उसका क्या दिया कि ईच साइड्स क्या था, 5 cm है, तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यानी 15 cm हमारा क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा। और हाँ, ब्रेथ हाइट तो सेम ही रहेगा, वो 5 ही रहेगा, क्योंकि जब दोनों को इन टू इन ज्वाइन करेंगे तो हमारा ब्रेथ यही रहेगा, 5 ही रहेगा और हमारा हाइट भी 5 रहेगा, तो यानी यहाँ से क्या ऑब्जर्व होता है, हमारा लेंथ कितना हो जाएगा, 15 cm हो जाएगा, ब्रेथ हमारा 5 cm ही रहेगा और हाइट हमारा क्या हो जाएगा, 5 cm ही रहेगा। और हमें क्या निकाला, टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, तो टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का क्या फार्मूला होता है, टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूबाइड हमें फाइंड करना है, तो टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू हो जाएगा 2lb + bh + hl। अब इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे हमको आंसर मिल जाएगा, तो यल कितना है, 15 है, बी 5 है प्लस बी 5 है, एच हमारा 5 है, एच हमारा 5 है इंटू यल हमारा 15 है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 175 और इसको फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 350 और सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। 18 क्वेश्चन है, द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ अ पेरीमीटर ऑफ 250 मीटर, इट्स हाइट इज 6 मीटर, फाइंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स 4 वॉल
एट द रेट ऑफ ₹6 पर स्क्वायर मीटर। यहाँ पर हमें क्या दिया गया, रेक्टेंगुलर हॉल के फ्लोर का हमें पेरीमीटर दिया गया है 250 मीटर और उसकी हाइट हमें दी गई 6 मीटर। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें कॉस्ट फाइंड करना है उसके फोर वॉल्स के पेंटिंग का एट द रेट ऑफ ₹6 पर स्क्वायर मीटर। तो पहले हमें क्या क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें कॉस्ट निकालने के लिए पहले हमें यहाँ पे एरिया ऑफ फ्लोर वॉल्स निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स, एरिया ऑफ फोर वॉल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इंटू हाइट हो जाएगा। पेरीमीटर कितना दिया गया है, पेरीमीटर क्या होता है फार्मूला रेक्टेंगल का 2l + b होता है, उसमें हाइट भी दिया गया है यानी इंटू h कर देंगे हम। तो 2l + b के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, उसका पेरीमीटर जो दिया गया है यानी 250 दिया गया है। तो 250 इंटू h कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। 250 इंटू 6 कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1500 सेंटीमीटर है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या होगा, हमारा एरिया आ गया। और हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स फोर वॉल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स फोर वॉल। अब हमें एरिया पता चल गया है तो एरिया में हम क्या करेंगे, इसके रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कॉस्ट मिल जाएगा। तो 1500 इंटू 6 कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 9000 आ जाएगा। वो भी किस में रहेगा, रुपीज़ में, क्योंकि कॉस्ट फाइंड करना है हमें। तो ये क्या होगा, रुपीज़ 9000 हमारा आंसर आ गया। ये क्या होगा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स फोर वॉल।